जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए नानावती के शोरूम से सिट्रोन C5 एयरक्रॉस, जो कि काफ़ी बढ़िया कार आती है। सिट्रोन C3 का भी हम रिव्यू लाए थे और आज हम बात करने वाले सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की, जो कि काफ़ी बढ़िया कार आती है। इसके पहले जो मॉडल आता था C5 का, वो भी काफ़ी बढ़िया आता है और ये भी काफ़ी बढ़िया आता है। इसमें आपको ओनली वन PC मिलता है, जो कि डीजल में परचेस करने को मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिलते हैं। उसी के साथ वो जो इसके पहले का मॉडल है, उसमें भी आपको डीजल में ही कार परचेस करने को मिलती है। इसके शोरूम प्राइस की बात की जाए, जो 36 लाख है, और कार काफ़ी बढ़िया आती है, जिसका आप लुक देख सकते हो कि यहाँ पे हेडलाइट की डिज़ाइन देख सकते हो कि दो DRL लाइंस दी गई है। यहाँ पे ग्रिल देख सकते हो, जिसमें ब्लैक थर्मल का यूज़ किया गया है, जो कि इसके पहले का मॉडल था उसमें क्रोम का यूज़ किया जाता है, बट इसमें आपको ब्लैक थर्मल का यूज़ किया मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको क्रोम के छोटे छोटे बाइट के यूज़ किया गया है, जिसके फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लगता है और लुक देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस दी गई है, जिससे पिकअप ज़्यादा पकड़ती है कार। यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिलती है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसी के साथ इसमें फीचर्स की बात करें, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और टायर के सेंटर में आपको सिट्रोन का लोगो मिल जाता है, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे स्पेस देख सकते हो कि काफ़ी कम है, यानी कि ये स्पॉट, ये कार आप एक तरीके से स्पॉट भी कह सकते हो। और साइड लुक देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। और तो और ये का यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पीछे के टायर में, यानी कि इसके सस्पेंसर भी काफ़ी बढ़िया है। और इसके लेंथ की बात की जाए, जो कि 4.5 मीटर लेंथ है, 1.9 मीटर वीथ है, और 1.7 मीटर हाइट है कार की। और देख सकते हो कि रियर लुक कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, वाइपर वॉशर, सिट्रोन का लोगो, और यहाँ पे सिट्रोन की बेजिंग, वो भी क्रोम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की बेजिंग, टेल लैंप की डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दी गई है, जो कि आप देख सकते हो। और आपको बूट ओपन करना हो तो आप वन क्लिक से ही ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। यानी कि आपको ये कार लॉन्ग टूर पे भी ले जाने होते हो, आराम से आप लॉन्ग टूर पे ले जा सकते हो। और यहाँ पे भी आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि 7 इंच का ही मिलता है, 18 इंच का। और यहाँ पे भी HM लैम, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, और आपको बूट क्लोज करना हो तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। और रियर में भी आपको 360 का कैमरा मिल जाता है, यानी कि आपको पार्किंग करना हो तो कार आराम से आप पार्किंग कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ से आप डीजल डलवा सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कार आपको ओनली फॉर डीजल में ही परचेस करने को मिलती है। और इंटीरियर भी आप देख सकते हो कि पूरा लेदर का फिनिशिंग वाला दिया गया है, और डोर भी देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 60 डिग्री तक खुलता है ये डोर, और डोर पर भी लेदर का फिनिशिंग किया गया है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है, और यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं। ऐसे तो कार में आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से बजते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेडरूम और नी रूम भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, और यहाँ पे हैंडल प्लस हुक के साथ, यहाँ पे AC वेंट्स, 2 USB पोर्ट, और तो और ये आपको सीट सोला नहीं हो तो आप सोला सकते हो। और यहाँ से भी बूट आराम से ओपन हो जाता है। इसमें आपको इंटीरियर के बैक प्रोफाइल में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ओनली फॉर फ्रंट में ही मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंफर्ट से हम जा सकते हैं, और डोर भी काफ़ी ज़्यादा खुलता है। ये डोर आपको 70 डिग्री तक खुलता है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे ट्विटर भी मिल जाते हैं। उसी के साथ देख सकते हो कि डोर कितना बड़ा दिया गया है। यहाँ पे क्रोम की यूज़ किया गया मिलता है। यहाँ पे स्पीकर, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। उसी के साथ कार में आपको दोनों फ्रंट सीट वेंटिलेटेड प्लस इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलती है। और हम बात करें इसके इंटीरियर के फीचर्स की, जिसमें आपको ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है। AC वेंट देख सकते हो कि AC वेंट की डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दी गई है, और यहाँ पे सन वाइज़र विथ मिरर के साथ, और यहाँ पे भी सन वाइज़र मिल जाता है विथ मिरर के साथ, और यहाँ पे ऑटो रियर मिरर मिल जाता है,
और सनरूफ देख सकते हो कि कितना पेनारोमिक सनरूफ दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। और आपको ज़्यादा हीटिंग नहीं हो सकता है सनरूफ ओपन होने के बाद, तो अभी हम सनरूफ क्लोज कर देते हैं जो कि वन क्लिक से ही क्लोज हो जाता है सनरूफ। तो सनरूफ क्लोज हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि आर्मरेस्ट के अप में भी लेदर का फिनिशिंग मिल जाता है और आर्मरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस मिलती है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। उसी के साथ यहाँ पे जो ये आप सिस्टम देख रहे हो, ये गियर चेंज करने की सिस्टम है, यानी कि मोड चेंज करने की सिस्टम है। ये ओनली फॉर सिट्रोन सी5 एयरक्रॉस में और स्कोडा ऑक्टिवा में देखने को मिलती है। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, कार इंक्लाइन मोड पे चलानी है वो भी आप यहाँ से ही मिल जाता है। और यहाँ पे पार्किंग मोड की स्विच दी गई है, ड्राइव मोड की स्विच दी गई है और यहाँ पे ही सब स्विच दी गई है। यहाँ पे ही ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं आपको कार ड्राइव करने के लिए। और यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से दी गई है, जो कि 10 इंच की स्क्रीन मिलती है। ऐसी इवेंट्स की डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दी गई है और यहाँ पे आपको सब स्क्रीन के कंट्रोल मिल जाते हैं। फ़ोन आपको रिसीव करना हो, फ़ोन कनेक्ट करना हो, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन सेंसर, अंडर इंफेमेंट, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप साउंड सिस्टम चला सकते हो, यहाँ से आप एसी वेंट्स यानी कि एयर कहाँ से फ्लो करनी है वो आप आराम से कर सकते हो। उसी के साथ इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ भी आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई भी आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे भी आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और यहाँ से आप वॉइस बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ये पार्किंग स्विच मिल जाती है आपको और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हेडरूम और नीरूम काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। उसी के साथ कार के आपको स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप घटा सकते हो। यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप घटा सकते हो। इसमें आपको 8 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल गेयरबॉक्स आता है सिट्रोन सी5 में। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों मिल जाते हैं, यहाँ से आप स्पीड सेट कर सकते हो जो कि मैनुअल में भी ये कार आप ड्राइव कर सकते हो और ऑटोमेटिक में भी आप ड्राइव कर सकते हो कार को। और आपको ये जो डिस्प्ले देख रहे हो, ये ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, टायर प्रेशर, फ्यूल इकोनॉमी, पार्किंग लाइट और इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे भी आपको ट्विटर मिल जाते हैं और HMLM। और बात करिए बड़े SUV की इंजन की, जो कि आपको बोनेट ओपन करना हो तो पैसेंजर साइड से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। और इसके इंजन की बात करें जो कि 2 लीटर का इंजन मिलता है, 174 PH का हॉर्स पावर मिल जाता है और 400 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें जो कि 52.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बूट स्पेस भी ज़्यादा है। और फीचर्स के बारे में बात करें जो कि फीचर्स तो आपने वीडियो में देखे हो गए कि कितना बढ़िया तरीके से फीचर्स मिलते हैं। लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया कार है। सो आपको कार कैसी लगी है कॉमेंट पर जरूर बताइएगा और कार पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो मोर कार को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।